साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज अमेजिंग फैक्ट में अपन बात करेंगे साथियों कि आपको क्या लगता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि टॉप 10 करेंसी इन वर्ल्ड में कौन सी कंट्री का कितना पैसा बनता है, तो आपको क्या लगता है। अपने इंडियन करेंसी भी बहुत हाई लेवल पे चल रही है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसे 10 कंट्रीज यानी 10 कंट्री हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी का लेवल बहुत ज़्यादा है। शायद आपने सुना भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने कि रियल में इंडियन करेंसी के भी इतने ज़्यादा भाव हो सकते हैं क्या। तो चलिए अपन 10 कंट्रियों से रिलेटेड मैं बात करूँगा कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना पैसा बनता है, या फिर ये मान लीजिए कि इंडियन करेंसी का वहां पे कितना गुना वहां की कंट्रियों में कन्वर्ट होता है। तो इससे पहले साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज विदेश जानकारी से रिलेटेड सही जानकारी सही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए अपन आज बात करते हैं, शुरुआत करते हैं युगांडा। युगांडा का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग घूमने के पर्पज से भी जाते हैं, यानी ये जो कंट्रियां हैं ये एकदम निचले तबके कि इनको मान सकते हैं, एकदम गरीब कंट्री हैं, वहाँ की इकोनॉमी बहुत डाउन होने की वजह से इंडिया की करेंसी वहाँ पे हाई लेवल पे है। युगांडा में बात करें साथियों, युगांडा में शिलिंग करेंसी चलती है, युगांडान शिलिंग। अगर वहाँ पे बात करें एक अगर रुपये एक इंडियन करेंसी 1 रुपया इंडियन अगर आप भाव वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 51.65 पैसे बनता है, यानी 51 रुपीज़, यानी 1 रुपया इंडियन रुपया वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 51 रुपये कन्वर्ट होते हैं। तो आप देख लीजिए साथियों 50 गुना ज़्यादा युगांडा में इंडियन करेंसी का भाव रहता है। आगे हम बात करते हैं कंबोडिया से रिलेटेड। कंबोडिया का नाम तो सबने सुना होगा, डाउन कंट्री, इकोनॉमी बहुत डाउन होने की वजह से वहाँ पे करेंसी की बात करें कंबोडियन रियाल वहाँ पे चलती है। 1 भारतीय रुपये इंडियन करेंसी की बात करें 1 इंडियन रुपीज़ वहाँ पर 54.46 रुपीज़ बनता है, यानी 54.46 पैसे आज की करंट की करेंसी में बता रहा हूँ 20 मार्च 2020 की, आज की लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ। तो यानी 54 गुना इंडियन करेंसी का वहाँ पे भाव बनता है। आगे हम बात करते हैं साथियों, 3 नंबर पे है पराग्वे। पराग्वेन करेंसी वहाँ पे गवरानी करेंसी का नाम है, ठीक है, क्योंकि जो कंट्री होती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने अपनी कंट्रियों के नाम होते हैं। वहाँ पे अगर बात करें 1 इंडियन रुपीज़ की तो साथियों 55 रुपीज़ बनते हैं, सॉरी 85 रुपीज़ बनते हैं, यानी 85-86 रुपये का भाव चल रहा है 20 मार्च 2020 का आज की लेटेस्ट न्यूज़ में, यानी इंडिया का 1 रुपये वहाँ पे जाके 86 रुपये के करीब बन जाता है। तो ये देख लीजिए 86 गुना ज़्यादा हो गया। आगे हम बात करें 4 नंबर पे हम साथियों बात करेंगे लाहौस। अब लाहौस ये एक मलेशिया के आसपास में, मलेशिया सिंगापुर के आसपास ये कंट्री है, एक चाइना के आसपास में कंट्री है जिसमें ऑन अराइवल इंडियन वीज़ा भी मिलता है। अगर लाओस की बात करें तो इंडिया का 1 रुपये अगर वहाँ पे कन्वर्ट होता है तो 120 रुपये वहाँ की लाओस करेंसी में बन जाता है, जिसको बोलते हैं लावा किप, यानी वहाँ की करेंसी में बनता है। इंडिया का 1 रुपया वहाँ की 120 लावा किप में कन्वर्ट होता है, तो यानी 120 गुना इंडियन करेंसी वहाँ पे ज़्यादा भाव चल रहा है अभी की कंडीशन में। आगे हम बात करेंगे साथियों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का नाम तो लगभग लोग सुन चुके होंगे, वहाँ पे उज्बेकिस्तान सोम करेंसी का नाम है। अगर वहाँ की करेंसी की बात करें भाव का तो अभी की कंडीशन में इंडियन रुपीज़ अगर वहाँ पे बात करें 1 रुपया इंडियन वहाँ पे 128 का भाव चल रहा है। अगर आप घूमने जा रहे हैं इन कंट्रियों में तो अगर आप थोड़े पैसे भी लेके जाते हैं तो ये 128 गुना ज़्यादा वहाँ पे काम आपके आने वाले हैं, इतना ज़्यादा ग्रोथ इंडियन करेंसी वहां पे कर रही है। आगे हम बात करेंगे साथियों 6 नंबर पे गिनिया। अगर आप गिनिया जाते हैं ये पश्चिमी अफ्रीका का एक भाग है जिसमें करेंसी का नाम है गिनियन फ्रैंक, यानी वहां पे चलता है। अगर 1 इंडियन रुपीज वहां पे आप लेके जाते हैं तो 128 गुणा के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1 रुपये का 128 गिनियन फ्रैंक वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे साथियों 7 नंबर पे है सियेरा लियोन। ये कंट्री का नाम है जो बहुत ही बैकवर्ड, जिसको बोल सकते हैं कि अपन ने कभी ज़िंदगी में कभी इस कंट्री का नाम नहीं सुना, लेकिन टॉप 10 कंट्रियों में इंडियन करेंसी के भाव से अगर देखा जाए तो इसको आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप सियेरा लियोन का अगर करेंसी का भाव देखें तो वहाँ पर सियेरा लियोन करेंसी का नाम है, ठीक है।
साथियों, वहां पे अगर आप एक इंडियन करेंसी की एक रुपये की बात करेंगे तो इसका करेंसी का भाव बनता है 129 रुपये, यानी इंडिया का एक रुपये वहां पे 129 रुपये के करीब बन जाता है, यानी 129 गुना ज्यादा। आगे हम बात करेंगे साथियों, 7 नंबर पे इंडोनेशिया का नाम तो भाई सब लोगों ने सुना ही होगा। इंडोनेशिया तो बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, टूरिज्म के हिसाब से कंट्री ठीक है। अगर वहां पे बात करें करेंसी के, तो इंडियन रुपी हा चलता है वहां पे, इंडियन रुपी अपने चलते रुपया, वहां पे चलता है रुपी हा। अगर वहां पे बात करें एक इंडियन रुपए करेंसी की बात करें तो 212.95, यानी 213 के करीब इंडियन करेंसी का भाव अभी वहां पे चल रहा है, यानी एक करेंसी 213 गुना ज्यादा वहां पे जाके कन्वर्ट हो जाती है। आगे साथियों बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट पे, वियतनाम आपने सबसे लोगों ने सुना होगा। वियतनाम से तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इंडिया में आती है, या फिर बहुत सारे लोग जॉब में करने की भी वहाँ पे सोचते हैं। लेकिन साथियों बता दूँ, वियतनाम एक बहुत ही इकोनॉमी लो कंट्री है, वहाँ पे बहुत डाउन कंट्री चल रही है, वहाँ पे कोई मतलब जाने का जॉब वगैरह कुछ है नहीं, एकदम गरीब कंट्री की कंडीशन में है। वियतनाम में करेंसी का नाम है डोंग, वियतनाम डोंग करेंसी का नाम है। अगर आप एक रुपीज़ की वहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करते हैं, 309 रुपये वहाँ की वियतनाम डोंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इंडियन करेंसी वहां पे 309 गुना ज्यादा कन्वर्ट होके आपको मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे साथियों 10 नंबर पे, और लास्ट में अपन बात करेंगे ईरान। ईरान तो आपको पता है, सब लोगों ने नाम सुना होगा, अरब कंट्री के अलावा एक मोमडन कंट्री है। वहां की इकोनॉमी इतनी डाउन है कि आप सोच नहीं सकते। ईरान में अगर आप बात करते हैं, विदेश अपने पाकिस्तानी लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ईरान घूमने के लिए, क्योंकि सबसे सस्ती कंट्री पड़ती है ईरान। अगर इंडिया का कोई बंदा ईरान घूमने जाता है करेंसी इंडिया की लेके, तो एक रुपए अगर इंडिया की वहां करेंसी कन्वर्ट कराओगे तो 592 रुपए आपको कन्वर्ट होके मिलेंगे, यानी कितना होगा, लगभग 600 गुना ज्यादा। तो सोचने की बात है साथियों कि इंडिया की के भी करेंसी हाई लेवल पे है इन 10 कंट्रियों में। मैंने आपको ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया, ताकि आपको इन चीजों का नॉलेज होता रहे। साथियों मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज इसी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।